हेलो, वेलकम टू एक टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए मसले के साथ हाज़िर हुए हैं। ये मसला ये है कि सिलाई मशीन का जो स्ट्रैप है वो स्लिप कर रहा है। तो ये बहुत आसान है, ये देख रहे हैं। इसका मसला बहुत आसानी से हल हो जाएगा। इसके लिए हमें चाहिए सिर्फ एक कॉमन स्क्रू ड्राइवर, ये आप देख सकते हैं। इसको आप सबसे पहले, ये यहाँ पे एक लगा होता है बोल्ट, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज पहले इसको खोल लें, थोड़ा सा लूज़ कर लें। लूज़ करने के बाद जो आपकी ये वाली मोटर है मशीन की, वो इस तरह लूज़ हो जाएगी, इस तरह हिलना शुरू हो जाएगी। इसको आप अपने मुताबिक एडजस्ट करके जहाँ पे ये जो स्ट्रैप है ये टाइट हो जाए, जहाँ पे आप देखेंगे ये लगे आपको कि ये टाइट हो चुका है, तो वहाँ पे आप इसको टाइट कर लें। एक और मसला आता है जी कि अगर ये स्ट्रैप को आप इसको उल्टा करके लगा दें तो आपका मसला फिर भी हल हो सकता है। ये अक्सर ये होता है कि एक साइड के जो टीथ होते हैं स्ट्रैप के, वो चल चल के ख़त्म हो जाते हैं। तो आप इसको आसानी से आप इसको उल्टा करके लगा दें ऐसे। अभी आप देख सकते हैं, अभी हम करते हैं इसको टाइट। इसको आप पकड़ के थोड़ा सा इस तरह नीचे प्रेस करेंगे ताकि जो स्ट्रैप है उसमें तनाव आ जाए। नहीं जी, अभी हम चेक करते हैं कि सही हुआ कि नहीं। ये आप देख सकते हैं अभी भी सही नहीं हुआ। तो आप इसको एक दफ़ा लूज़ करें, लूज़ करने के बाद इसको ज़ोर से नीचे प्रेस करने के बाद फिर आप टाइट करेंगे क्लॉकवाइज। और ज़रा ज़ोर से करेंगे। आपको मैं ये दिखा दूं कि ये जो स्क्रू है वो ये वाला मैं टाइट कर रहा हूँ। अभी मैंने इसको टाइट किया, अभी चेक करते हैं। अभी ये बिल्कुल ठीक हो गया। सो नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करें।